हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मैथ विद नूर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे, बट वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको 1 to 25 स्क्वायर लर्न होने चाहिए, तभी आप इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। उसके बाद आपको जो लर्न होना चाहिए, इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। यहाँ पर हमारे पास जो भी हमें एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, उसमें अगर जब भी हमारी यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें यूनिट डिजिट जब भी 1 होगी तब आंसर की यूनिट डिजिट 1 और 9 होगी। ऐसे जब यूनिट डिजिट 4 होगी तब हमारे आंसर की यूनिट डिजिट 2 और 8 लेके चलेंगे हम। तो ये सब आपको क्या करना है, लर्न करने की ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे बना है हमारे पास। जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1, और जब हम 9 स्क्वायर करते हैं, तब भी यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है हमें, 1। डैट मीन्स यूनिट डिजिट 1 हमें कितने केस में मिल रही है, एक तो जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया यूनिट डिजिट कितनी मिली, 1, और 9 स्क्वायर के केस में भी यूनिट डिजिट कितनी मिली है हमें, 1। डैट मीन्स 1 कब मिल रहा है हमें, 1 कब मिल रहा है हमें, 1 और 9 के केस में मिल रहा है। ठीक है, अगर ऐसे ही हम बात करें 2, जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तब यूनिट डिजिट कितनी मिलती है, 4, और जब हम 8 स्क्वायर करते हैं, तब यूनिट डिजिट कितनी मिलती है, 4। 2 स्क्वायर के केस में भी यूनिट डिजिट 4, 8 स्क्वायर के केस में भी यूनिट डिजिट 4। डैट मीन्स 4 कब मिल रहा है हमें, 4 को रखेंगे यहाँ, और किस केस में मिल रहा है, 2 और 8 के केस में, इसको हम रखेंगे यहाँ। इस तरह से हम क्या करें, हमने ये बनाया है। ठीक है, इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन, जब हमें क्वेश्चन में यूनिट डिजिट ये देखने के लिए मिलेगी, तब हम आंसर में डिसाइड करेंगे कि हमारा आंसर की यूनिट डिजिट ये होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। ये सब आपने क्या करना है, लर्न करना है। तो लर्न करने की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है, दैट मीन्स आपको ये लर्न होना चाहिए, स्क्वायर लर्न होने चाहिए आपको 1 to 25। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। तो चलिए फ्रेंड, अब हम अपने गिवन एक्सप्रेशन को यानी गिवन क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमें रूट के अंदर यहाँ हमें क्या दिए, कुछ वैल्यू दिए, इसको हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, 784 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट के अंदर जो भी नंबर दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट के अंदर हमें एक नंबर दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, राइट साइड से फर्स्ट पार्ट में आपको 2 नंबर अलग करने हैं। राइट साइड क्या हुई लेफ्ट साइड ये हुई। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये नंबर है उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, फिर राइट साइड से आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको 2 नंबर अलग करने हैं। दैट मीन्स ये राइट साइड हुई, यहाँ से आपने क्या करना है, 2 नंबर अलग करने हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा आपका, जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा, सेकंड पार्ट होगा। मेरी बात फिर से ध्यान से आप सुन लो, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी नंबर दिया होगा आपको उसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले जो भी नंबर आपको दिया होगा उसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। राइट साइड से आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको 2 नंबर अलग करने हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा सेकंड पार्ट होगा। बेसिकली हमारे पास होता क्या फ्रेंड, जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तब फर्स्ट पार्ट में हम 2 नंबर लेके चलते हैं। और जब हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तब हम फर्स्ट पार्ट में 3 नंबर का पेयर लेके चलते हैं, और रिमेनिंग पार्ट हमारा सेकंड पार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। ऐसे हमने क्या लिया, पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर हम, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, 2 नंबर का पेयर लेके चलेंगे। कहने का मीनिंग क्या, 2 नंबर का पेयर लेके चलना है, और रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, हमारा सेकंड पार्ट होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 84 को हम देखेंगे। ठीक है, 84 में यूनिट डिजिट क्या है हमारी, 4। जब हमारी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 4 होगी, तो आंसर की यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी, 2 और 8। तो 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं और 8 को हम यहाँ लिख लेते हैं। इतना करने के बाद हम जाते हैं 7 पे, हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 पर जाएंगे। अब हमें देखना है जो ये हमारा 7 है कहाँ पर लाई कर रहा है, किस नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। हम क्या करेंगे, 1 to 25 चेक करेंगे। बेसिकली हमारे पास 1 to 25 ही होता है नॉर्मली, कंपिटेटिव एग्जाम वगैरह में भी हमारे पास 1 to 25 ही स्क्वायर हमें लर्न करने की जरूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि 7 हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है, किस नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो अब हम चेक करेंगे हमारा 7 कहाँ पर लाई कर रहा है। 7 कहाँ लाई करता है हमारा, 4 और 9 के बीच में, यानी कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में। 2 स्क्वायर कितना होता है हमारा, 4, और 3 स्क्वायर होता है हमारा 9, और उसके बीच में क्या लाई कर रहा है हमारा, 7। अब हमें देखना है,
ठीक है, इतना लाइक करने के बाद अब हमें देखना इनमें से छोटी वैल्यू क्या है हमारी। टू और थ्री में से हमारी छोटी वैल्यू क्या है? टू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोटी वैल्यू को पिक करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू और यहाँ लिखेंगे टू। अब या तो हमारा आंसर 22 होगा या हमारा आंसर 28 होगा। फाइनल आंसर को कंफर्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 7 जो है हमारा, जो हमारा 7 है ऊपर वाले नंबर के ज़्यादा करीब है या नीचे वाले नंबर के ज़्यादा करीब है। जो हमारा 7 है यहाँ पर वो ऊपर वाले नंबर के ज़्यादा पास है या नीचे वाले नंबर के ज़्यादा पास है? तो ये क्या हमारा नीचे वाले नंबर के ज़्यादा पास है। 9 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 7 और 4 में 3 का डिफरेंस है, डेट मीन्स नीचे वाले नंबर के ज़्यादा पास हुआ, जिसमें कम का डिफरेंस उसके ज़्यादा पास हुआ, डेट मीन्स 28 क्या होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट साइड से 2 का पेयर बनाना है। स्क्वायर रूट है इसलिए क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। क्यूब रूट होता तो 3 का पेयर बनाते। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें इसलिए क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो सेकंड पार्ट होगा। हमें क्या करते हैं, गिवन नंबर को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये क्या हुआ हमारा सेकंड पार्ट। अब हम चेक करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में यूनिट डिजिट कितनी है हमारी, 4। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 4 होगी, क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 4 होगी तो आंसर में कितनी मिलेगी, 2 और 8। तो 2 को यहाँ लिखेंगे और 8 को यहाँ लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे 33। 33 हमारा कहाँ पर लाई करता है, किस नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है 33? 33 हमारा लाई करता है 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में। 5 स्क्वायर कितना होता है हमारा 25, 6 स्क्वायर होता है हमारा 36 और इसके बीच में क्या लाई करता है 33। ठीक है, इतनी बात, लाई करता है। अब 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर में से 5 छोटा नंबर है हमारा, इसलिए हम क्या करेंगे 5 को पिक करेंगे। 5 यहाँ लिख देंगे, 52 और 58। अब ये क्या हुए हमारे आंसर। फाइनल आंसर को कंफर्म करने के लिए कि फाइनल आंसर हमारा इस इन दोनों में से क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है फाइनल आंसर को कंफर्म करने के लिए, हमें देखना है जो हमारा 33 है, हमारा 33 है जो ऊपर वाले नंबर के ज़्यादा पास है या नीचे वाले नंबर के ज़्यादा पास है। हमें क्या चेक करना है, जो हमारा 33 है वो ऊपर वाले नंबर के ज़्यादा पास है या नीचे वाले नंबर के ज़्यादा पास है। जिसके ज़्यादा पास होगा, जिसके ज़्यादा पास होगा वही हमारा आंसर होगा। अब हम चेक करते हैं 33 का इससे 36 और 33 के बीच में डिफरेंस चेक करते हैं हम, तो कितने का आएगा 3 का। और 33 और 25 के बीच में अगर हम डिफरेंस चेक करें तो हमारा कितने का आएगा 8 का आएगा। डैट मीन्स इसके ज़्यादा पास हुआ ये, तो नीचे वाला ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, तो 58 क्या होगा हमारा आंसर होगा। ऐसे जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है इसको। ये फर्स्ट पार्ट हुआ और ये क्या हुआ रिमेनिंग पार्ट, सेकंड पार्ट हुआ। अब हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे, यूनिट डिजिट कितनी है 6। जब यूनिट डिजिट 6 होगी तब फाइनल आंसर की यूनिट डिजिट कितनी होगी, 4 और 6। इतना चेक करने के बाद हमें देखना है कि 73 हमारा कहाँ पर लाई करता है, किस नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो 73 हमारा लाई करता है 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में। 8 स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 64 और 9 स्क्वायर होता है हमारा 81 और इसके बीच में कौन लाई करता है हमारा 73। और इन दोनों में से अब हमारे छोटी वैल्यू हम लेके चलते हैं 8 और 9 में से, छोटी वैल्यू 8 है इसलिए हम यहाँ भी 8 लिख देंगे, यहाँ भी 8 लिख देंगे। फाइनल आंसर को कन्फर्म करने के लिए हम चेक करेंगे इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस। ठीक है, 73 अब हम चेक करेंगे कि 73 जो है हमारा ऊपर वाले नंबर के ज़्यादा पास है या नीचे वाले नंबर के ज़्यादा पास है। तो 73 अगर हमारा ऊपर वाले नंबर के ज़्यादा पास होगा तो ऊपर वाला आंसर होगा, अगर नीचे वाले नंबर के ज़्यादा पास होगा तो नीचे वाला आंसर होगा। तो ये 86 क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। आप डिफरेंस भी चेक कर सकते हो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है और इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, जिसमें कम डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। अगर ऊपर वाले का कम डिफरेंस होगा तो ऊपर वाला आंसर होगा, अगर नीचे में कम डिफरेंस होगा तो नीचे वाला क्या होगा आपका आंसर होगा। ऐसे जब हम यहाँ पे चेक करेंगे इस नंबर का स्क्वायर रूट, जब हम चेक करेंगे उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले दो पार्ट में ब्रेक करना होता है गिवन नंबर को। ये क्या हुआ फर्स्ट पार्ट और रिमेनिंग पार्ट क्या होता है हमारा सेकंड पार्ट। 24 में यूनिट डिजिट कितनी है 4। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 4 होगी तब आंसर की यूनिट डिजिट कितने मिलेगी 2 और 8। 2 को यहाँ रखेंगे, 8 को यहाँ रखेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है 174, ये देखना ये नंबर हमारा किन नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। हमें क्या चेक करना है 174 हमारा किस नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो 174 हमारा लाई करता है 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर के बीच में। कहाँ लाई करता है 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर। 13 स्क्वायर क्या है हमारा 169 होता है और 14 स्क्वायर हमारा 196 होता है, उसके बीच में क्या लाई करता है हमारा 174। और अब हमारी छोटी वैल्यू हमें चेक करनी है, 13 छोटी वैल्यू है 14, 13 छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू को हम क्या करते हैं प्रायोरिटी देते हैं। तो 13 को हम लिखेंगे यहाँ।
अब हमें दो आंसर मिल गया, बट आंसर तो हमारा फाइनल आंसर ही हम डिसाइड करेंगे। फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, इस नंबर का हमें चेक करना है, जो हमारा नंबर है किस नंबर के ज़्यादा पास है। 174 जो है हमारा ऊपर वाले नंबर के ज़्यादा पास है या नीचे वाले नंबर के ज़्यादा पास है। 174 हमारा ऊपर वाले नंबर के ज़्यादा पास है, नीचे वाले नंबर के ज़्यादा पास है। ऊपर वाले नंबर के ज़्यादा पास है, डैट मीन्स 132 क्या होगा, आपका आंसर होगा। आप इनके बीच में डिफरेंस भी देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात ऐसी, अगर हम बात करें इस नंबर की, इस नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो पेयर में, दो पार्ट में हमें ब्रेक करना होता है। फर्स्ट पार्ट में हमें कितने नंबर लेके चलने पड़ते हैं, दो, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंड पार्ट। अब क्वेश्चन में यूनिट डिजिट कितनी है, वन। अगर यूनिट डिजिट वन होती है तो आंसर की यूनिट डिजिट कितनी मिलती है, वन और नाइन। क्वेश्चन की यूनिट डिजिट वन, आंसर की यूनिट डिजिट कितनी होगी, वन और नाइन। उसके बाद हम चेक करेंगे 357 हमारा कहाँ पर लाई करता है, किस नंबर के स्क्वायर के बीच में हमारा लाई करता है। 357 हमारा लाई करता है 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच में, 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच में। 18 स्क्वायर हमारा होता है 324 और ये होता है हमारा 361। इसके बीच में कौन लाई करता है, 357, ये वाला नंबर लाई करता है। अब हमें देखना है कि जो ये नंबर है हमारा, इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस चेक करना है, इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस चेक करना है। जिसके बीच में डिफरेंस, अगर ऊपर वाले नंबर के बीच में डिफरेंस कम होगा तो अब ऊपर वाला आंसर मिलेगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे 18 और 19 में से छोटी वैल्यू क्या है हमारी, 18 को इसके साथ में लिख देना है, ठीक है। अब इन दोनों आंसर में से फाइनल आंसर में डिसाइड करना है कि फाइनल आंसर हमारा क्या होगा। अब हमें देखना है कि 357 जो यहाँ नंबर है हमारा, वो ऊपर वाले नंबर के ज़्यादा पास है या नीचे वाले नंबर के ज़्यादा पास है। ऊपर वाले के पास है या नीचे वाले के ज़्यादा पास है। अब हमारा 357 जो है हमारा नीचे वाले नंबर के ज़्यादा पास है, 361 के ज़्यादा पास है, तो नीचे वाला आंसर मिलेगा हमें। डेट मीन्स 189 क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स आपने, बस आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, ये लर्न होना चाहिए। डैट मीन्स मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है कि आपने कैसे इसको लर्न करना है। 1 to 25 आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, टिप्स पे लर्न होने चाहिए, ये मैंने अभी आपको लिख के बताया था। अब जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको इजिली सब कुछ लर्न हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ऐसे यहाँ पे एक एक करके बताया। सबसे पहले आपने यूनिट डिजिट चेक करनी है और सेकेंड पार्ट में आपने क्या करना है, किस नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, टू स्केयर के बीच में और थ्री स्केयर के बीच में ये नंबर लाई करते हैं, फिर छोटी वैल्यू को पिक करना है। फिर फाइनल आंसर के लिए आपको चेक करना है कि जो 7 है ऊपर वाले नंबर के ज़्यादा पास है या नीचे वाले नंबर के ज़्यादा पास है। अगर ऊपर वाले नंबर के पास होगा तब ऊपर वाला आंसर होगा, अगर नीचे वाले नंबर के ज़्यादा पास होगा तो नीचे वाला आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।